बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं हम। चैप्टर 3 की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो आपके स्मार्ट सिलेबस में जो पहली एग्जांपल इंक्लूड है वो है एग्जांपल नंबर 3.2। एग्जांपल नंबर 3.2 जो है ये जो आपने इम्पल्स पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है 1500 kg कार हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स। फाइंड हाउ लार्ज वॉज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो आपने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। और डाटा में आपको क्या क्या गिवन है, कार का मैस आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम आपको प्रोवाइडेड है। वो सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया। मास ऑफ कार 1500 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम है आपके पास 3 सेकेंड। आपने क्या निकालना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालने के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप ऊपर वाली टर्म में एम जो है वो कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा वी एफ माइनस वी आई। तो आप इसको पहले कैलकुलेट करें या डायरेक्ट इधर से इस स्टेप पे अगर आप आएँ तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम की जगह आप 3 सेकंड्स पुट करेंगे। मास है जी 1500 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 20। तो 15 माइनस 20 क्या हुआ, माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा जी, अब आपने 1500 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 पर डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 2500 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये 1 न्यूटन के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यूनिट्स को कर देना है, इसकी जगह आप न्यूटन पुट कर देंगे और 2500 की जगह 2.5 किलो पुट करेंगे। ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग वन, यानी कि फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। तो आंसर आपका आया है एफ इज इक्वल टू माइनस 2.5 किलो न्यूटन। तो ये था एग्जांपल नंबर 3.2। नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 3.3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg मैसेज आर मूविंग टूवर्ड्स each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively। दो बॉल जिनका मास 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे towards each other, हाँ जी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी ऑफ 6 एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आपको 6 दे दी गई, दूसरी की 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटीज ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब दो बॉल्स हैं 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की वेलोसिटी 6 और 4 की वेलोसिटी से ये दोनों मूव कर रही हैं, इनका आपस में कोलिजन होता है। आफ्टर कोलिजन जो है पूछ रहे हैं कि स्मॉल वाली जो बॉल है जिसका वेट है, जिसका मास है 2 किलोग्राम, इसकी क्या वेलोसिटी होगी, यानी आपने v1 प्राइम निकालना है और सेकंड वाली बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारा जो डाटा आपको इस एग्जांपल में प्रोवाइडेड है वो लिखेंगे। मास m1 2 किलोग्राम, m2 क्या होगा 3 किलोग्राम, वेलोसिटी v1 होगा जी 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी v2 होगी 4 मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलिजन जो है सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 प्राइम 3 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी v1 प्राइम आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपने डायरेक्ट कहना है जी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करना है। तो बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो पहले बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम कैलकुलेट करें। आपने m1 की जगह मास m1 पुट किया, v1 की जगह वेलोसिटी v1 पुट की प्लस m2 और वेलोसिटी v2 पुट की, ठीक हो गया। अब जो वेलोसिटी v2 है आपने देखा दोनों बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब है अगर एक चीज़ इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है तो एक की वेलोसिटी को हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो सेकंड वाले की वेलोसिटी को आप कर लेते हैं नेगेटिव, ठीक हो गया। इस 6 टू जार 12, इस नेगेटिव की वजह से माइनस 3 फोर जार 12 माइनस 12 0, यानी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो है सिस्टम का मोमेंटम जो है वो आ गया आपके पास 0। अब आपने आफ्टर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम जो है कैलकुलेट करना है। तो m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम आ जाएगा। m1 की वैल्यू पुट की 2 kg, v1 प्राइम
आपने फाइंड करना है, उसको एज इट इज रहने दें, प्लस एम टू और वी टू प्राइम की जगह माइनस 3 मीटर पर सेकेंड पुट कर दें, क्योंकि सेकेंड वाली बॉल की वेलोसिटी आपने पहले भी माइनस के साथ ली। इसको सॉल्व करें, आपके पास आया 20v1 प्राइम माइनस यहाँ से 3309 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आपने मोमेंटम को कर देना इक्वल, इक्वल किया तो बिफोर वाला जीरो था, आफ्टर वाला इस तरह आ गया। इस नेगेटिव वाले उठा के आप इधर ले जाएं तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी 2 kg v1 प्राइम इज इक्वल टू 9 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से kg को kg से कैंसिल करें, v1 प्राइम किसके इक्वल होगा, 9 को 2 पर डिवाइड किया तो 4.5, और ये 7 वेलोसिटी के यूनिट्स आ गए। तो ये आपकी जो स्मॉल वाली बॉल थी 2 kg की, उसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज़ करके यहाँ पे फर्स्ट वाली बॉल की वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन निकाल ली। नेक्स्ट है जी आपकी प्रॉब्लम, सॉरी एग्जांपल नंबर 3.5। एग्जांपल नंबर 3.5 है, 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग टू दी राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद अ 8 kg स्टील बॉल। एक 100 ग्राम का गोल्फ बॉल जो है राइट की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और उसने एक 8 केजी स्टील बॉल के साथ हेड ऑन कोलिजन जो है उसका हुआ इनिशियली एट रेस्ट, जो सेकंड वाली बॉल है वो एट रेस्ट है, यानी v2 जीरो होगी। कंप्यूट वेलोसिटीज ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, अब आपने दोनों बॉल्स का जब कोलिजन हुआ तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज के अंदर क्या चेंज आया ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मास जो है वो है 100 ग्राम यानी 0.1 kg हो जाएगा, वेलोसिटी v1 कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, मास m2 जो है सेकंड वाली बॉल का 8 kg है, सेकंड बॉल रेस्ट पे थी तो v2 जीरो होगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स आप आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज आएंगी v1 प्राइम और v2 प्राइम उसके फार्मूलाज जो है आप कैलकुलेट कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, तो आप वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। v1 प्राइम निकालने के लिए m1 - m2 ओवर m1 + m2 v1 प्लस 2 m2 ओवर m1 + m2 v2, ये फर्स्ट वाली वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट m1 - m2 m1 + m2 v1, इसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो v2 जो है वो जीरो है, उसकी वजह से ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आके जी आपने स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट की तो ये वाला सारा फैक्टर जो है जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा जीरो। आपने इसको कैलकुलेट करना है, 0.1 में से 8 को माइनस किया तो -7.9 kg ओवर 0.1 में जब 8 को ऐड किया तो 8.1 kg हो गया आपके पास। इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, इस सारे को जब आपने सॉल्व किया तो फर्स्ट वाली जो वेलोसिटी है आपके पास वो आई -19.5 मीटर पर सेकेंड। अब एक देख रहे हैं आप, बहुत ही स्मॉल सी जो बॉल है वो आती है एक बहुत ही हार्ड बॉल के साथ कोलाइड करती है, तो आपको पता है वो अपनी वेलोसिटीज के साथ उसी वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो अप्रॉक्सीमेटली 19.5 भी अप्रॉक्सीमेटली 20 ही है, या बहुत स्मॉल जो है वो उसके अंदर चेंज आया क्योंकि कोलिजन हुआ है, रियल कोलिजन में थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, तो थोड़ी सी वेलोसिटी कम हुई और ऑलमोस्ट उसी वेलोसिटी के साथ बॉल जो है वो बाउंस बैक हो गई है। सिमिलरली फॉर द वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल आफ्टर कोलिजन, जो सेकंड बॉल रेस्ट पे थी उसकी वेलोसिटी किस तरह फाइंड करेंगे, उसकी वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 + m2 v1 प्लस m2 - m1 ओवर m1 + m2 v2। ये जो v2 है ये आपने जीरो पुट करना है तो इस सारे फैक्टर ने क्या हो जाना है, जीरो। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2m1 का मैस ये है, नीचे वो ही आएगा 8.1 क्योंकि दोनों मैसेज ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट वेलोसिटी है जी 20 मीटर पर सेकंड, तो इस पूरे को कैलकुलेट किया तो 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी जो स्टील की बॉल पड़ी हुई थी 8 kg की वो बहुत ही स्मॉल सी वेलोसिटी लेके फॉरवर्ड या आगे की तरफ मूव करेगी, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड, या तो वो ये रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर इसका मैस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर ये बहुत ही स्मॉलर वेलोसिटी जो है वो लेगी और
फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि जो हमने केस नंबर थ्री का जो रिजल्ट था कि अगर एक बहुत ही स्मॉलर मैस एक लार्जर मैस के साथ कोलाइड करती है तो स्मॉलर मैस जो है अपनी सेम वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक होती है और जो लार्जर मैस थी वो रेस्ट पर ही रही थी। इस केस में क्या हुआ है कि स्मॉलर बॉल जो है वो अपनी अप्रॉक्सीमेटली उसी वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक हो गई है और जो लार्जर मैस है बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी यानी 1/2 वेलोसिटी लेके आगे की तरफ मूव कर गई है। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.5। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इंक्लूड है आपके सिलेबस में वो है, सॉरी एग्जांपल जो इंक्लूड है वो है एग्जांपल नंबर 3.6। आपने एक टॉपिक किया फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, यानी कि अगर एक वॉल के ऊपर आप वाटर थ्रो करवाते हैं तो उसकी वजह से वॉल या वाटर जो है वो वॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है, अ होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको V1 जो है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड प्रोवाइडेड है थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 cm². तो एरिया जो है आपको 50 cm² है गिवन। तो इसको जब आपने करना है मीटर में तो आपने इसको 50 को 10,000 पे आप डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ यूनिट लगेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको 10,000 पे डिवाइड कर दिया। तो 50 cm² को जब आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये होगा 0.005 के इक्वल। द वाटर स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ द वाटर नॉर्मल टू द वॉल इज जीरो आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब आपको पता है जब वाटर वॉल को स्ट्राइक करेगा तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और उसके बाद वाटर जो है ज़मीन पे गिर जाता है यानी रेस्ट पे आ जाता है, तो वाटर की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी थी 0.3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल होगी जीरो। एरिया आपको गिवन है 0.005 मीटर स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम में नहीं गिवन तो ये आपको खुद याद होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg/m³। आपने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन दी वॉल F। अब जो F है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो था F इज इक्वल टू mv/t। यहाँ ये वाला जो फैक्टर था इसको हमने कहा था ये मैस पर यूनिट टाइम या मैस पर सेकंड है और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए मैस पर सेकंड निकालना है। अच्छा जी, मैस पर सेकंड आपको गिवन नहीं है, आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। यहाँ से अगर आपने मैस पर सेकंड निकालना है तो आपको पहले वॉल्यूम पर सेकंड मालूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम पर सेकंड ऊपर वाले स्टेप में उन्होंने कैलकुलेट किया है वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल। अब ये आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में जाके, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में जाके आप पढ़ेंगे कि वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है ये एरिया इनटू वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो एरिया जो है वो आपको ऊपर वाले स्टेप में गिवन है, ऊपर सॉरी डाटा में गिवन। हाँ जी, तो वॉल्यूम पर सेकंड निकालने के लिए एक फार्मूला है जो आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में जाके पढ़ेंगे, वॉल्यूम पर सेकंड इक्वल होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी भी आपको गिवन है और एरिया भी आपको गिवन है, तो इन दो को यूज़ करके आप वॉल्यूम पर सेकंड निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल इज इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया है वेलोसिटी के साथ यानी मीटर पर सेकंड यहाँ पे लगना था। तो ये आपके पास निकल आया वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल। इस तरह कर दें, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप वॉल्यूम पर सेकंड पुट करके तो इसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके मास पर सेकंड निकाल सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, मास पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड होगा मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम पर सेकंड जो आपने निकाला है वो ये है, साथ में वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो ये अब आपके पास आ गया है मास पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल, यानी आपने मास पर सेकंड स्ट्राइकिंग द वॉल निकाल लिया। तो अब आप क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, V1 - V2। तो V2 क्या है जी, आपके पास जीरो है, V1 क्या है 0.3, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0.3 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फोर्स जो है वाटर ने लगाई वॉल के ऊपर वो निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू M/T × V। M/T जो है वो आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये है 1.5
केजी पर सेकेंड, और साथ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 केजी पर सेकेंड, हाँ जी यहाँ पे इसके साथ पर सेकेंड भी आएगा। तो ये यूज़ किया, साथ में आपने चेंज इन वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 न्यूटन में आंसर आएगा। तो फोर्स जो लगाई वाटर ने, जब वाटर वॉल के ऊपर के साथ स्ट्राइक हुआ, तो उसने इतनी फोर्स एग्जर्ट करनी है, यानी 0.45 न्यूटन्स। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3.6, इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, इसके अंदर थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.7, ये प्रोजेक्टाइल की हाइट, रेंज और टाइम से रिलेटेड है। 3.7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द होराइजॉन। डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेस, द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी आपने हाइट भी निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालनी है। आपको इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ बॉल को किक किया गया वो बता दी गई है कि 30 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा भी आपको बता दिया गया 30 डिग्रीज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगी। तो कैलकुलेशंस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है और थीटा भी आपको गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे जब आप, तो आपके पास आंसर आया 25.98 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, साइन 30 डिग्री, इस सारे को पुट किया और आंसर आपके पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपने वेलोसिटी के कैलकुलेट कर लिए, अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला आपने पीछे कैलकुलेट किया, टी इज इक्वल टू 2 VI/G sin θ। 2 इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है जी 15, स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप जो हैं कैलकुलेट यूज़ करेंगे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया, क्योंकि किस मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है एक बॉल, वो क्या होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमें बताएगा। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी का जब वाई कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी आई 15 मीटर पर सेकेंड। तो 2 × 15 मीटर पर सेकेंड ओवर ग्रेविटी की वैल्यू, और इधर से आपका जो आंसर निकला टी इज इक्वल टू 3.1 सेकेंड। अब इसको करने का एक और भी तरीका है, आप डायरेक्ट 2 VI की जगह पुट कर दें 30 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट करें, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 30 से 1/2 जब होगा तो 15 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में ना रखें तो भी ये ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को माइंड में ले आए तो भी ये ठीक है, क्योंकि हमने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहाँ से निकाल लिया हुआ है। डायरेक्ट उसको यूज़ कर लें या एंगल पुट करके यूज़ कर लें। तो यहाँ से आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया 3.1 सेकेंड। नेक्स्ट है जी फॉर हाइट। हाइट के लिए वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2G फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। वी आई स्क्वायर में आप करेंगे जी, अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करें ओवर 2g कर दें, या फिर हर एक की वैल्यू पुट करें, हर एक की वैल्यू पुट करें 30 का स्क्वायर साइन थीटा साइन 30 डिग्री का स्क्वायर ओवर 2 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करें, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, एंड पे आपके पास हाइट आ गई 11.5 मीटर। ये होगी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आप क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला यूज़ करें, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो जी अब आपने करना है वी आई स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर करेंगे ओवर 9.8 करेंगे साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री। तो यहाँ जब साइन 60 कैलकुलेट किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करें, 9.8 पे डिवाइड करें, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आ जाएगी 80 मीटर्स। तो ये अब आपने रेंज में निकाल दी। स्टूडेंट्स तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी हमने, ये वाले 2 स्टेप्स बेशक आप ना करें, डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स
चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवाई हैं सिर्फ यही वाली एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, इसके अलावा कोई एग्जांपल आप सॉल्व ना करें।